सुर्खी लगा रही हूँ। होंठ नहीं, होंठ नहीं लगा रही, सुर्खी लगा रही हूँ। आज कोई खास बात है? आज वो है नसीम। आज नसीम है? नहीं, मैंने नसीम आपको कहा है वसीम। अरे मैं महमूद हूँ यार। आप महमूद कब हुए? 50 साल पहले। इसीलिए तो मुझे पता नहीं लग रहा, क्योंकि 50 साल पहले तो मैं थी ही नहीं बच्चू। 50 साल पहले तुम कहाँ थी? अल्लाह मियां के पास। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है? कौन? अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ कि आज क्या खास बात है? आपको याद नहीं है कि आज क्या है? नहीं, बताओ ना। मैं नहीं बताऊंगी। मोमो प्लीज बता दो ना। नबील, आज कौन सा दिन है? आज जानी संडे है। हटते तुम भूल गए। नहीं जानू, आज संडे ही है। संडे का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ? एक ही तो दिन होता है छुट्टी का। किसका? किसका नहीं, छुट्टी का। तुम्हारे लिए तो हर दिन छुट्टी का होता है नबील। मैं इसलिए तो काम नहीं करता खूबसूरत। तुम कुछ भूल रहे हो नबील। नहीं जान, मैंने परफ्यूम लगा लिया है। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ? लॉन में। वो क्यों लग रही है मनीजा? खूबसूरत। चल हट। मनीजा खूबसूरत किधर है? मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी। हाँ तो इतनी वो क्यों लग रही है तू? है खूबसूरत? खूबसूरत नहीं वो। वो क्या माँ जी? वही जो इम्तिहानों में फेल होने के बाद लगते हैं बच्चू। जूते? हाँ। आज तू इतनी जूते क्यों लग रही है? मजाक ना करे माँ जी, पहले मैं बहुत उदास हूँ। हाँ हाँ उदास, आज तू इतनी उदास क्यों लग रही है शिमी मारा? खूबसूरत? हाँ हाँ वो खूबसूरत है माँ जी, मैं खूबसूरत हूँ। लेकिन तूने तो अभी बोला कि तू उदास है। उफ। क्या हुआ? माँ जी नबील ने मुझे आज विश ही नहीं किया। क्यों, तू इम्तिहान में पास हुई है? नहीं माँ जी, आज वैलेंटाइंस डे है। वो तो कबीर ने भी मुझे वैलेंटाइन विश नहीं किया है। ये कबीर कौन है? मेरे मियाँ। आपने तीसरी शादी कब की माँ जी? वाए, मैंने तीसरी शादी भी कर ली है। अब महमूद साहब का क्या होगा? हाँ हाँ महमूद, महमूद ने भी मुझे वैलेंटाइन विश नहीं किया है अर्जुमंद। खूबसूरत? हाँ हाँ, मैं इतनी खूबसूरत हसीन लग रही थी फिर भी विश नहीं किया मुझे। यार नबील मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। महमूद साहब आप भूल नहीं रहे, भूल गए। क्या भूल गया हूँ? यही कि आज आपने मेरा उधार वापस करना था। अरे तुम्हारा उधार मैं क्यों वापस करूँ भाई, तुम खुद करो। महमूद साहब, यार तुम्हारी माँ सुबह से मुझसे पूछ रही है कि आपको याद नहीं आज क्या है, आपको याद नहीं आज क्या है। यार महमूद साहब, सुबह तो खूबसूरत ही मुझसे यही पूछ रही थी। नबील, आज कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं है? यार महमूद साहब, अभी कुछ एपिसोड पहले तो हमने अपनी शादी की सालगिरह मनाई है। आज तुम्हारी माँ की सालगिरह तो नहीं है? नहीं महमूद साहब, माँ जी तो आमों के मौसम में पैदा हुई थी। जब ही इतनी कच्ची है। महमूद साहब चेक करें कहीं आज ईद तो नहीं है, हमने रोजे ना रखे हो। ये कैसे हो सकता है यार नबील? अरे महमूद साहब मैसेज आया है। अरे किसी ने ईद मुबारक तो नहीं भेज दिया? यार वो राणा रिजवान के रेस्टोरेंट से आया है, आज वैलेंटाइन डे है, उसमें रिजर्वेशन पे 95% डिस्काउंट दे रहा है राणा रिजवान। नबील क्या हुआ महमूद साहब? अरे आज वैलेंटाइन डे है। अरे हाँ आज तो वैलेंटाइन डे है। अरे महमूद साहब हैप्पी वैलेंटाइन डे। अरे मुझे क्यों मिल रहे हो, जाके खूबसूरत को विश करो। मैं उसे विश क्यों करूं माँ जी? किसे? नबील को। ना मैं तुझे नबील को विश करने को नहीं बोल रही हूँ। फिर अदील को विश कर।
कौन अदील? लेता रमिया और कौन? माँ जी उसका नाम नबील है। किसका? मेरे मियाँ का। हाय तूने भी दूसरी शादी कर ली अजमीला? खूबसूरत। क्यों? मेरा बेटा खूबसूरत नहीं था जो तूने उसे छोड़ के इरफान से शादी की है? अब ये इरफान कौन है? तेरा दूसरा शौहर। उफ। ना क्यों? नबील क्या सोच रहे हो? महमूद साहब हमारी बीवियां इंतजार कर रही हैं, हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है मैं अंदर जाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं यार? अरे तुम्हारी माँ के पास। अरे उन्हें सरप्राइज देना है यार। जो उन्हें देना है वो सरप्राइज है? हाँ उन्हें वैलेंटाइन पर कोई अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट करते हैं। क्या करें? एक काम करते हैं महमूद साहब, माँ जी और खूबसूरत को घर से बाहर भेज देते हैं। तो फिर हम वैलेंटाइन किसके साथ मनाएंगे? अरे महमूद साहब मेरा मतलब है कुछ देर के लिए माँ जी और खूबसूरत को घर से बाहर भेज देते हैं, फिर उनके लिए सरप्राइज तैयार करते हैं, वापस आएंगी तो खुश हो जाएंगी। नहीं भाई नहीं, मैं तो अपनी मोमो को बाहर डिनर पे लेके जाऊंगा। राणा रिजवान के रेस्टोरेंट पे 95% डिस्काउंट है। अरे महमूद साहब ओले पे बहुत रश होगा, आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, इंजॉय हम घर पे आके कर लेंगे। महमूद साहब ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करो। आए फिर। अरे मेरे साथ नहीं भाई। महमूद साहब लॉन्ज में आए यार। ओ अच्छा। आइए महमूद साहब। खूबसूरत खूबसूरत। तूने मुझे बुलाया साद इम्तियाज? माँ जी नबील। नबील को बुलाया? ओहो खूबसूरत को। हाँ तो मैं आ गई हूँ ना, बोल साइम इम्तियाज। अरे यार माँ जी। खूबसूरत इधर आओ। क्या है? ये लो सिक्का राजुल वक्त 2000 रुपया। किस लिए? जानू उस दिन दुकान पर तुम्हें वो बैग पसंद आया था ना। हाँ तो जाओ वो ले लो। वो क्या बैग? मोमो तू इसे बैग लाने के 2000 दे रहा है ना, मुझे दे दे मैं ले आऊं। माँ जी खरीद के लाने के। अच्छा तो फिर इसको ही दे दे। जानू जल्दी जाओ, ऐसा ना हो कोई और ले जाए। तूने किसी और को भी पैसे दिए? अरे माँ जी आप तो चुप करें यार, तुम जाओ खूबसूरत। तुम भी चलो ना मेरे साथ, अकेली नहीं जा रही मैं। तुम माँ जी को ले जाओ यार। लेकिन इसकी माँ तो मर चुकी है बेटा। अरे ये तुम्हारी बात कर रहा है। किससे? माँ जी आप खूबसूरत के साथ चली जाए। मैं क्यों चली जाऊँ, मेरे पास तो वही नहीं है। वो क्या? वही जिससे ये बैग लाएगी। दुकानदार? माँ जी मैं दुकानदार नहीं, बैग लेने जा रही हूँ उन पैसों से। हाँ पैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। महमूद साहब माँ जी को पैसे दे यार। जिसका आइडिया है ना वो ही दे। महमूद साहब देख लो मैं मोमो को लेके डिनर पे चला जाऊंगा। ये ले माँ जी, आप भी क्या याद करेंगी? हाँ याद करने के मामले में ना मैं बहुत वो हूँ साद इम्तियाज। नबील? हाँ मैं बहुत नबील हूँ साइम इम्तियाज। यार महमूद साहब ये साइम और साद कौन है यार? राणा रिजवान के भांजे। अब हम ये भी करेंगे? चुपा चल मत सूरत। खूबसूरत? हाँ हाँ वही, अब चल चल। अच्छा बैग तो ले ले। हाँ ठीक है। माँ जी उधर 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 कमरा है आपका। इधर हाँ हाँ इधर। महमूद साहब ये दोनों तो अभी निकल जाएगी, शुरू करें। क्या कह रहे हो नबील? मेरा मतलब है तैयारी शुरू करें यार। हाँ हाँ चलो चलो। महमूद साहब जब तक आप केक बना रहे हैं मैं ड्राइंग रूम में मोमबत्तियां लगा दूं। अरे लेकिन मोमबत्तियां तो केक पे लगती हैं। महमूद साहब आज किसी की सालगिरह थोड़ा है। तो फिर तुम मुझसे केक क्यों बनवा रहे हो भाई? खाने के लिए। हम केक काटेंगे नहीं। काटे बगैर कैसे खाएंगे महमूद साहब? भाई मुझे नहीं पता, मैं तो केक काट कर ही खाऊंगा। ओह ओह
जब तुम हाँ नबील मैं कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा हर जगह देख लिया तुम्हें लेकिन हर जगह तो मैं जाता नहीं हूँ नबील तुम कहाँ चले गए थे ये तुम क्या कर रही हो इशरत मैं रो रही हूँ नबील तुम्हारी जुदाई ने मुझे पागल कर दिया है देखो इशरत देखी तो रही हूँ नबील मेरी शादी हो चुकी है मेरे हाथ पीले हो चुके हैं मुंह नीला हो चुका है क्या हाँ और मेरी बीवी तकरीबन बहुत अच्छी है कह दो ये झूठ है कह दो नबील ये झूठ है मेरी बीवी वाकई बहुत अच्छी है पारो कौन है नबील मेहमान साहब कोई मदद मांगने आया है तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया नबील देखो जो होना था वो हो चुका अब तुम घर वापस जाओ मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे नबील तुम में इतनी सी इंसानियत नहीं मैं तुम्हारे घर के बाहर दरवाजे पे खड़ी हुई हूँ कम से कम मुझे एक गिलास पानी ही पिला दो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ बाहर से ठंडी यख बोतल खरीद के पी लेना मुझे अगर बोतल पीनी होगी ना तो घर जाकर पापा की अलमारी से निकाल के पी लूँ है पापा ने शुरू कर दी ये लड़की कौन है नबील मैं मुझसे मेरे घर यार मैं गुस्सा मेरी बात तो सुने यार तुमने घर में लड़की बुला ली है और बुराई नहीं है यार मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है खुद ही आगे ढूंढती हुई तुम झूठ बोल रहे हो नबील झूठ नहीं बोल रहा यार मैं तो खुद कटा रहा हूँ उसे किससे किससे नहीं कटेगी तो फिर कैसे काटोगे वही तो सोच रहा हूँ मैं काटूं नहीं नहीं आपके दांत बहुत जहरीले हैं वो तो पानी भी नहीं मांगेगी वो जो जहरीले हैं वो मेरे दांत हैं हाँ जी चलो फिर हम दोनों मिलकर कटाते हैं उससे नहीं उसे हाँ तुम अंदर कैसे आई दरवाजे से नबील और कहां से लेकिन तुम रो क्यों रही हो अंकल आपके नालायक बेटे ने मुझे धोखा दिया है हैं नबील तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी टाइट मेरा मतलब है इतनी प्यारी बच्ची को धोखा देते हुए अरे मैं तो सिर्फ उसको चुप करवाने जा रहा हूं ये कौन आ गया मैं देखता हूं महमूद साहब नहीं तुम बैठो मैं देखता हूं तुम चुप करो किधर मर गया ये नबील नबील अरे तेरी माँ खूबसूरत आ गई नबील नबील तेरी माँ खूबसूरत आ गई है क्या हाँ मरवा दिया महमूद साहब मैं दरवाजा खोलता हूँ अबे ऐसे तो बंद करें पहले क्या मतलब है तुम कहीं चुप जाओ क्यों तुम मुझे ढूंढोगे क्या महमूद साहब इसे अपने कमरे में ले जाए थैंक यू नबील महमूद साहब अपने कमरे में छुपाए इसे मैं भी कमरे में ही छुप जाऊंगा महमूद साहब तुम यहाँ क्या खड़ी हो छुपो अच्छा अरे सोफे के पीछे नहीं मेरी माँ क्या मेरी माँ सोफे पे ही आके बैठेगी अच्छा तो फिर ठीक है मैं इनके कमरे में छुप जाती हूँ नहीं मैं नहीं नबील तुम्हारी माँ ने देख लिया तो मेरी कुट लग जाएगी मैं मूसा माँ माँ जी को अंदर जाने नहीं देंगे यार है जलील जलील दरवाजा खोल बेटा चलो जलील आया नबील तुमने मेन डोर खोलने में इतनी देर क्यों लगाई मैं बाथरूम में था और महमूद साहब मैं इसके बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था क्या मतलब कुछ नहीं जानू तुम जाके आराम करो आराम तो मुझे करना है मैं बहुत थक गई हूँ कील अरे माँ जी आप यहाँ बैठे आराम से मुझे आपसे बचपन की बहुत सारी बातें करनी है मैं अपने बचपन की बातें तुझे क्यों बताऊंगी है जानू तुम आराम करो जाकर नहीं नहीं नबील आराम की क्या जरूरत है अच्छी खासी फ्रेश तो लग रही है कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब मेरी बीवी थकी हुई है जानू तुम अंदर जाओ मैं आता हूँ पांव दबाने के लिए जाओ नबील नहीं वो सुनो
नहीं, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ये क्या बदतमीजी है महमूद साहब? महमूद साहब, दिमाग खराब हो गया आपका? नबील, तुम समझ नहीं रहे हो। क्या नहीं समझ रहा? अंदर वो है। क्या? ओ, क्या है? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अंदर जाने की जानू। क्यों? जानू, तुम लॉन में जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जूस बना के लाता हूँ। गर्मा गर्म जूस? मेरा मतलब है ठंडी चाय। नबील, मुझे अंदर जाने दो। अंदर नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं पता अंदर क्या है? अंदर क्या है? अंदर अंदर चूहा है। चूहा? 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 क्या? हाँ, जानू तुम यहीं रुको, मैं मूसा यहीं रुके, मैं चूहा मार के आता हूँ। अच्छी तरह मारना। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने मुझे अगवा करने की कोशिश भी की तो। बाहर मेरी बीवी खड़ी है। बहुत अच्छी बात है, आज तुम्हारा भांडा फूट नहीं चाहिए। खबरदार जो कमरे से बाहर आने की कोशिश भी की तुमने। पर नबील, मैं बहुत ज्यादा देर यहाँ नहीं बैठ सकती, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैं अभी तुम्हें फिल्म लगा के देता हूँ, बैठो। नबील आया? जानो नबील अभी आया। हाँ जानू। क्या हुआ? चूहा बहुत बड़ा है, जा नहीं रहा। तुम अंदर चूहे से बातें कर रहे थे? हाँ, मैं अंदर मजाकरात कर रहा था। चूहे से? जी महमूद साहब, मैं नहीं चाह रहा इस घर में खून खराबा। नबील, उस चूहे को निकालो, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन बाथरूम में तो चूहा है। चूहा बाथरूम में क्या कर रहे? अब पता नहीं, दरवाजा बंद है बाथरूम का। वो ऐसा क्या कर रहे बाथरूम में? हो सकता है वो अंदर अखबार पढ़ रहा हो, है ना नबील? हाँ महमूद साहब, हो सकता है। माजी, तू मेरे बाथरूम में चली जा शमेला, मैं देखती हूँ उस चूहे को। हाँ, खूबसूरत? नहीं, खूबसूरत को नहीं, चूहे को। माजी, ये आप बेसबॉल का बैट लेकर क्यों आ गई हैं? ये बेसबॉल का बैट चूहे के लिए है हरमीज। अरे हो सकता है चूहे को बेसबॉल खेलना ही ना आता हो। ना तो मैंने उसके साथ बेसबॉल तो नहीं खेलनी है ना। फिर मैं उसे कत्ल करने जा रही हूँ। हाँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा। मेरे हाथ में कानून नहीं है, बेसबॉल का बैट है। हाँ। माँ जी, फिकर ना कर पुत्र, हट जा। माँ जी, हट पड़े। माँ जी, माँ जी, आए। आए। वो जो तूने छुपाया हुआ है। मैंने तो कोई चूहा नहीं छुपाया। झूठ बोल रही है, झूठी। हाथ दिखाओ। ये देखो। चल बाहर, चल तू मेरे साथ। आ जा इधर। ये लो जी, ये लड़की है, चूहा इसके पास है, तलाशी लो सारे इसकी। मैं इस लड़की को अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। नबील, नहीं जानू, इस लड़की पर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की है कौन और हमारे बेडरूम में क्या कर रही थी? अरे तुम इससे क्या पूछ रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं नबील की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या? है? जानू, ये झूठ बोल रही है। नबील, तुमने मुझे और माजी को घर से बाहर इसलिए भेजा था कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वैलेंटाइन डे मनाओ। मुझे तो विश किया नहीं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंग रंगलिया मना रहे हो। जानू, ये सब तो मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए किया था। बोले ना महमूद साहब। अब मैं क्या बोलूं नबील, आप तो तुम पकड़े गए हो। महमूद साहब, मुझे तुम जैसे आदमी के साथ अब रहना ही नहीं है। खुदा के लिए इशरत, तुम इस सच बता दो खूबसूरत को। अरे नबील, अगर इसे अब सब कुछ सच सच पता चल ही गया है तो जाने दो ना इसे, हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। खूबसूरत, खूबसूरत, माँ जी अपनी बहू को रोक के, खूबसूरत। खुदा का वास्ता मेरी बेटी, रुक जा, तू मत जा। मोमो, ये तुम्हारी बहू नहीं है। हैं? तो फिर कौन है? अरे यही तो फसाद की जड़ है। अच्छा, शाबाश, अब चल तैयार हो जा शादी के लिए। नहीं, मेरे साथ बेसबॉल का मैच है तेरा। जानू, जानू, जानू मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, घटिया इंसान।
हाँ तुम यही समझ लो, आओ काटो। चल हक शरीर। अरे मोमो केक काटो। अच्छा तो वो कैंची, कैंची कहाँ है? अरे कैंची से नहीं, छुरी से काटो। अच्छा छुरी से काटना है ना, ये ले। हैप्पी बर्थडे नहीं है, आज वैलेंटाइन डे है। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे टू वैलेंटाइन डे, हैप्पी बर्थडे टू वैलेंटाइन डे, हैप्पी बर्थडे। महमूद साहब, हैप्पी वैलेंटाइन डे नबी। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।